आपके देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पास से को फेंकने पर चार से बड़ा अंक आने की प्रायिकता याद करो। सीधी सी बात है, पासे में अंक होते हैं एक से लेकर छह तक, और चार से बड़ा अंक, चार से बड़े अंक है पांच और छह दो, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखना है अपने को हर एक सवाल में, पांच और छह दो अंक हो गए, दो बटे छह, परिणाम कितने में से, छह में से, तो दो एकम दो, दो तीन छह, एक बटे तीन इसकी प्रायिकता होगी, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दो देखो अब इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर दो में दिए एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है तो दो बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो, दो बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो इसकी प्रायिकता देखेंगे क्या क्या होती है, या तो हेड हेड, या टेल टेल, या फिर हेड टेल, या फिर टेल हेड, ठीक है। तो इसमें चाहिए अपने को ये पूछ ले कि दोनों बार चित आने की प्रायिकता क्या है, या पट आने की प्रायिकता क्या है, वो तो सिंगल ही रहेगी क्योंकि इसमें भी हेड हेड एक बार आया, इसमें टेल टेल भी एक बार आया, दोनों में एक में देखो एक बार हेड आ गया टेल आ गया, इसमें टेल आ गया हेड आ गया, तो इनमें से अपने को पूछा है उसका आंसर क्या होगा, एक, और कुल प्रायिकता कितनी होगी चार, तो एक बटा चार। अब आ जाओ आपने क्वेश्चन नंबर एक बार तीन को छोड़ दो, तीन को आगे करवाएंगे, क्वेश्चन नंबर चार को, क्वेश्चन नंबर चार के अंदर देखो इसने पूछा है कि दो तीन सिक्कों को एक साथ उछाल रहे, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि हेड हेड या टेल 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 ऐसे लिख लोगे, फिर चेंज करते चलोगे हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड हेड टेल, या फिर टेल हेड हेड, फिर टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, या हेड टेल टेल, ये आठ परिणाम होंगे, ठीक है। ये आठ परिणाम में से अगले ने पूछा है एकांतरता चित या पट आने की प्रायिकता, एकांतरता चित या पट का मतलब समझो रेंडमली, यानी एक के बाद में एक, ठीक है, तो इसमें देखो लगातार है तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। फिर इसमें देखो हेड के बाद टेल है, फिर वापिस हेड आ गया, तो एक तो ये होगा, इसमें देखो हेड के बाद में वापिस हेड आ गया तो ये नहीं होगा, इसमें टेल के बाद में हेड तो आया लेकिन हेड के बाद में वापिस हेड आ गया तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। फिर आ जाओ इसमें टेल टेल टेल, तो इसमें भी नहीं होगा, फिर ये देखो टेल हेड टेल, ये बदल बदल के आ रहा है हर बार, तो एक ये हो जाएगा, फिर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो परिणाम कितने हुए एकांतरता चित और पट आने के, एक और दो, तो दो बटा आठ बराबर एक बटा चार, ये इसका आंसर होगा।